गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मजे में हो? हाँ, मैं भी बहुत मजे में हूँ। तो अभी आप दूसरी कक्षा में हो, ठीक है? और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। हाँ, तो बच्चों आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम हमारा पाठ जो 15वां है वो इसकी हम आज पहचान करने वाले हैं, ठीक है? तो इस 15 पाठ में आज क्या देखने वाले हैं हम, आपको मालूम है? ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको। तो हमारा पाठ है 15वां। इसमें संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, इन दोनों की हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से पहचान करने वाले हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे संयुक्ताक्षर, यहाँ एक शब्द है, क्या है? संयुक्ताक्षर, ठीक है? और संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, ये दो जो है वो अलग अलग है, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, और इन दोनों की हमें आज पहचान करनी है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये बहुत ही आसान है, आप अच्छे से मन लगाकर जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है? हाँ, और अभी आप सभी का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, ठीक है? तो बच्चों पहले देखो, यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर है ये क्या है? संयुक्त अक्षर। तो ये संयुक्त अक्षर, इनकी हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। तो संयुक्त अक्षर, ये शब्द भी बहुत क्या लगता है? हाँ, बहुत कठिन लगता है, लेकिन बच्चों ये जो हमारी संकल्पना है संयुक्त अक्षर की वो बहुत ही आसान है। तो संयुक्त अक्षर का मतलब ये होता है कि एक अक्षर क्या होता है? आधा अधूरा होता है, आधा होता है, और उसको दूसरा जो अक्षर होता है वो जुड़ा होता है, इसीलिए उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी कि वर्ण, और संयुक्त यानी कि वो जुड़े रहते हैं, इन दोनों का मिलान हुआ होता है, ठीक है? जैसे कि देखो, यहाँ पर मक्का यह शब्द है, कौन सा शब्द है? मक्का। तो इसमें सिर्फ दो वर्ण है, म और क, लेकिन यहाँ पे छोटा सा म आपको यहाँ पे जुड़ा दिखाई देगा, तो यह मक्का शब्द बन गया, ये मक्का शब्द नहीं है, यह मक ऐसा शब्द नहीं है, तो यह शब्द क्या है? मक्का, ठीक है? तो यहाँ पे ये छोटा क, छोटा क यानी कि आधा क, और इसको ये क और उसको आप की मात्रा, मक्का यह शब्द बन गया। तो इस मक्का इस शब्द में का, का यह क्या है? हमारा संयुक्त अक्षर है, ठीक है बच्चों? हाँ, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा शब्द जो है लड्डू। आप सभी को पसंद है लड्डू? हाँ, मीठे मीठे लड्डू। हाँ, तो इस लड्डू शब्द में भी यह ड है वो आधा ड है, और यह ड को बड़े उ की मात्रा है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा? ल, यह एक वर्ण है, और यहाँ पे ड को यह डू इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो ये शब्द बन गया लड्डू। तो यह भी क्या है? हमारा संयुक्त अक्षर। इसके बाद हम तीसरा शब्द देखेंगे, वो है हमारा शब्द कौन सा? कुत्ता। तो उसमें इस त को यह छोटा क लगा हुआ है, तो यह भी क्या है? संयुक्त अक्षर। इसके बाद बोल बोल कर पढ़ो, इसमें भी आपको एक से लेकर 12 तक शब्द दिखाई देंगे। तो ये सभी शब्द बच्चों कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ, ये सभी शब्द है संयुक्त अक्षर, ठीक है? तो ये शब्द अभी हम पढ़ेंगे, चलो पढ़ो मेरे साथ। पत्ता, गन्ना, चिट्ठी, बच्चा, डिब्बा,
सब्जी, सिक्का, चम्मच, बिल्ली, विद्या, कच्चा और बुद्ध। इस प्रकार से एक से लेकर 12 तक ये सभी क्या है हमारे संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर के शब्द है। तो बच्चों अभी आपके ध्यान में आया होगा है ना कि संयुक्ताक्षर के शब्द किसे कहते हैं हम, एक दूसरे से जो वर्ण मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो यदि आप आपका पेज नंबर 82 यह जो निकालेंगे, हाँ तो यहाँ पे आपको ये शब्द दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो इसके बाद हम पढ़ाई करने वाले हैं अभी हमारे संयुक्त व्यंजन की, हमारी संयुक्ताक्षर की पढ़ाई अभी हो चुकी है, आपके समझ में आया होगा है ना। हाँ तो ये संयुक्ताक्षर के जो शब्द है वो आपको गुड हैंडराइटिंग में, अच्छे हैंडराइटिंग में आपके कॉपी में लिखने हैं, इस तरह से आपको एक कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप अभी संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है आपको हमारे व्यंजन में मालूम है, हमारे स्वर भी मालूम है जो कि सब आते हैं वर्णमाला में है ना। हाँ और यदि हम हमारा बुक देखेंगे तो हमारी किताब में हमने पहले ही दिन वर्णमाला का अध्ययन किया है। देखो हमने पहले ही दिन हमारे वर्णमाला का अध्ययन किया है। हाँ तो हमारा पेज नंबर 9 देखो, यहाँ पे हमारी वर्णमाला है, तो इस वर्णमाला में स्वर आते हैं, हाँ उसके बाद अयोगवाह आते हैं, हाँ इसके बाद व्यंजन आते हैं, इसके बाद अतिरिक्त व्यंजन आते हैं और बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ये व्यंजन पर ही निर्धारित रहते हैं, ये व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन जो है वो व्यंजन पर ही निर्धारित रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये संयुक्त व्यंजन व्यंजनों से ही बने हुए हैं। ठीक है, हाँ तो आप अभी यहाँ पे देखो हमें चार संयुक्त व्यंजन है, कितने व्यंजन है 4। ठीक है, तो हमारा पहला संयुक्त व्यंजन है क्षो, क्या है क्षो, तो यहाँ पे जो क है ये आधा है, इसके बाद यह शो है, इससे बन गया क्षो, यानी कि क्षो यह क्या है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा आता है संयुक्त व्यंजन, तो ये आधा है, इसके बाद र आता है तो वो बन जाता है त्र। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज, ये आधा है, आगे यम, जिससे बन जाता है ज्ञ, ये क्या है ज्ञ, इसको मराठी में ज्ञ, इसका उच्चारण मराठी में ज्ञ ऐसा होता है, लेकिन हमारे हिंदी में इस संयुक्त व्यंजन व्यंजन का उच्चारण हम ज्ञ करते हैं, क्या करते हैं ज्ञ। ठीक, शो ये आधा है, अधिक ल, तो ये बन गया श्र, क्या बन गया श्र, तो इस प्रकार हमारे पास हमारे हिंदी में क्या है संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4 है। चलो अब एक और बार हम पढ़ेंगे, हाँ क्ष त्र ज्ञ श्र, क्ष त्र ज्ञ श्र, समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो इस संयुक्त व्यंजन पर, इस संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल करके कुछ शब्द भी तैयार होते हैं, हाँ जैसे कि इस क्ष संयुक्त व्यंजन से कक्षा, पक्षी, यह शब्द तैयार होते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना,
के दो शब्द दिखाई देते हैं। तो ये जो त्र व्यंजन है यहाँ पे है, त्र यह संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसके बाद देखो यह ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है और इससे ये दो शब्दों में दिखाई देते हैं, तो वो है ज्ञान और है ज्ञानी। कौन से शब्द है? ज्ञान, ज्ञानी, ठीक है। इसके बाद श्र इस संयुक्त व्यंजन से हमें श्री और श्रद्धा ऐसे दो शब्द दिखाई देते हैं। श्र इस संयुक्त व्यंजन से हमें श्री और श्रद्धा ऐसे दो शब्द दिखाई देते हैं। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन हमारे चार है और इन चार में से चलो बताओ मुझे पहला कौन सा है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हाँ, और उनसे कौन से शब्द तैयार होते हैं? क्ष से कक्षा, पक्षी, त्र से पत्र, मित्र, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, श्र से श्री, श्रद्धा। इस प्रकार से आज हमने संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों का अध्ययन किया है, इन दोनों का अच्छे से परिचय किया है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन पर निर्धारित एक कहानी, ठीक है बच्चों? थैंक यू।